कुछ नहीं कर सकता वो बाबा, किसी काम का नहीं है खंडेराव। लेकिन है तो बड़े सुबेदार का बेटा। यहीं पर तो मार खा गए हम। बेटे और दामाद में से एक बाप अपने बेटे को ही तो चुनेगा। मेरी बात मानिए बाबा, धावा बोल देते हैं, मल्हार राव को दिखा देते हैं कि तलवारबाजी में हम भी उनसे कम नहीं। धावा ही बोलना होता तो तुम्हें मल्हार राव का दामाद क्यों बनाते हम? एक बात मत भूलो, मल्हार राव बाजीराव पेशवा का दाहिना हाथ है। उन्हें जरा सी भी आंच आई, पेशवा सरकार आ जाएंगे उनकी रक्षा के लिए और उनका सामना करना मुश्किल होगा हमारे लिए। कुछ ऐसा करना होगा जिसे मल्हार राव खुद ये समारोह रद्द करते डालते। कोई बड़ा कारण ढूंढना होगा जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी को बचाते बचाते जब तक सांप मरेगा ना बाबा, खंडेराव गद्दी पर बैठ चुका होगा। कुछ भी इतना धीरज नहीं है। जल्दबाजी में गलत कदम उठाना तुम्हारी आदत है, ये समय गलती करने का नहीं है। सुन रहे हो तुम? जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? देखिए, दीवार को अंदर से खोखला कर दिया है दीमक ने और हमें पता तक नहीं चला। एक छोटी सी दीमक दीवार को खोखला बना देती है, ये कैसे भूल गया? बड़ी दीवार को गिराना हो तो भीतर से कमजोर करना पड़ेगा। तुम्हारे रास्ते में एक ही रुकावट है, खंडेराव। वो न रहा तो तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं। ये लोग इतना तीखा खाना कैसे खाते? मेरे पेट में तो अभी भी जलन हो रही है, अब मुझे नींद कैसे आएगी? अभी ठीक हो जाएगा। लोणी में शक्कर मिला के लाई हूं, मसाले में पीसी नहीं थी ना मिर्ची, इसलिए मुंह में आ गई। अब नहीं जल रही है ना? अगर मैं अपने गांव में होती तो आई मुझे चर्च से मक्खन और शक्कर दे देती, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। तेरे
बिना मुझे नींद कैसे आएगी? गद्दा भी इतना नरम नरम है कि मेरी पीठ भी दुखने लगेगी, फिर कैसे सोऊंगी मैं? लेकिन अब क्या करूं, सोना ही पड़ेगा। पेट में इतनी जलन हो रही है कि अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तो भूल ही गई कि रसोई घर कहाँ है। हाँ, लगता है वहाँ है। हाँ, वहीं होगा। अंधेरे में कैसे दिखेगा? शक्कर और मक्खन कहाँ है? मैं बाहर से दिया लेके आती हूँ। किसी ने अगर मुझे देख लिया तो वो सासू भाई को बता देंगे और फिर सासू भाई से मुझे फिर से डांट खानी पड़ेगी। अब तो अंधेरे में मक्खन खोजना पड़ेगा। अरे
नहीं खाना मुझे शक्कर और मक्खन। लेकिन अगर मैंने शक्कर और मक्खन नहीं खाया तो पेट में फिर से जलन होगी। यहाँ तो अभी कोई दिख भी नहीं रहा, बेकार में डर रही हूं मैं। मक्खन तो मिल गया, अब बस शक्कर ढूंढनी है। कौन है? सुनाई दी और उसके बाद मुझे दोनों भूत दिखे भी। नई जगह है एलिया के लिए, अंधेरे में कुछ देखकर डर गई होगी वो। वैसे इतनी रात को अकेले अंधेरे में तुम यहाँ कर क्या रही थी? बताओ बेटी, यहाँ इस वक्त क्या कर रही थी तुम? कुछ चाहिए था तो आवाज देकर किसी दासी को बुला लिया होता। वो मुझे मुझे मिर्ची लगी थी, इसलिए पेट में बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैं मक्खन और शक्कर लेने आई थी। जब मुझे मिर्ची लगती थी ना तो आई भी मुझे लोनी में शक्कर मिला के देती थी। खाना ज्यादा तीखा लगा क्या? तो उसी समय क्यों नहीं कहा? सरकार, नई बहू के घर में पहली रात है और महल में सबकी नींद खराब। आगे न जाने और क्या क्या देखने मिले। आप सब यहां से जाइए, मैं और सरकार अहिल्या के साथ है। तुम भी ना कानो जी, एक लड़की से मार खाकर आ गए। अरे हम लोग उसे डराने के लिए गए थे, पीटने के लिए नहीं। लड़की नहीं चुड़ैल, मेरा मतलब है कि बहुत खतरनाक लड़की है वहीली। खतरनाक नहीं, डरपोक है डरपोक। देखा नहीं कितना जोर जोर से चिल्ला रही थी, सब लोग आ गए वहां। अभी तो आई साहब उसे जोरदार डांट लगा रही होगी, मजा आ गया। चलो Thank you.
अभी भी जलन है पेट में। पहले महल के नौकर चाकर दासियों ने तुम्हें यहां वहां दौड़ लगाते हुए देखा, उसके बाद अभी ऐसे आधी रात में उठकर रसोई में छुपकर आना। महल के अंदर की बात, बाहर जाने में देर नहीं लगेगी अहिल्या, तुम्हें संभल कर रहना होगा। राजघराने की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। एक एक कदम उठाने से पहले 10-10 बार सोचना पड़ता है। बात समझ रही हो तुम? और अगर कह देती कि खाने में तुम्हें मिर्च पसंद नहीं है तो कोई सजा नहीं देता, समझी? अब आगे से कभी किसी चीज की जरूरत हो तो सेविका को बुला लेना। सुमई, लेकिन सब सो रही थी इसलिए। जाओ, जाकर सो जा। ऐसी बात नहीं है, वो अकेले में डर लगता है ना, और इतना बड़ा कमरा है, अगर वो दोनों भूत फिर से आ गए तो। ससुई, हाँ? आप चलेंगी मेरे साथ? मतलब आप मेरे पास बैठेंगी तो मुझे चट से नींद आ जाएगी, पक्का। हम हरकू को भेजते हैं, वो तुम्हारे साथ। माफ कीजिए सरकार, आपकी बात बीच में ही काट रही हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता हरकू को तकलीफ देने की कोई जरूरत है। और भूत प्रेत सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता अहिल्या। तुम्हें अपनी सोच और आदतें अब बदलनी होगी। शादी हो गई है तुम्हारी, दूसरे परिवार से जुड़कर जीवन में जो बदलाव आते हैं खुद को उसके अनुसार ढालना ही पड़ता है। मेरी भी शादी तुम्हारे ही उम्र में हुई थी, पर अपने आप ही नए माहौल और खानदान के रंग में दूध में मिश्री की तरह खुल गई थी मैं। तुम्हें भी इसी तरह घुलना होगा। अब जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, कुलदेवी की पूजा है कल। सुशीला लोरी ना सुनाए तो अहिल्या को नींद नहीं आती। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? गौतम, हम कहीं बहुत जल्द किसी चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर रहे? मैं समझी नहीं। अब तक का जीवन एक बहुत ही आम माहौल में जिया है अहिल्या ने, सिर्फ 9 साल की बच्ची ही तो है वो। ससुराल आते ही उसे यह आशा रखना कि
महल के सारे कायदे कानून तौर तरीके रहन सहन वो एक दिन में ही सीख ले, जाती है उस बच्ची के साथ। मुझे लगता था आप मुझ पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं गौतमा, तभी तो अहिल्या की देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। जानते हैं कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अहिल्या को अपने अनुसार बदलने की, लेकिन एक साथ इतने सारे बदलाव, इतना अनुशासन, क्या नियमों में थोड़ी नरमाई नहीं ला सकते हम? हमने आपसे ही सुना है कि युद्ध का सही अभ्यास युद्ध के मैदान में ही होता है। हम परिवार की बात कर रहे हैं गौतम, युद्ध की नहीं। राज घराने को संभालना, हर सदस्य को समझ के उसके हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपने की जिम्मेदारी निभाना, ये भी तो किसी युद्ध से कम नहीं होता। हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, कोई भूल ना होने पाए। मिट्टी सूखने पर उसे आकार देना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए अहिल्या की उम्र देखकर नरमाई दिखाना, अनुशासन में ढील देना ठीक नहीं होगा। अहिल्या को इस समय किसी अपने का साथ चाहिए, कोई ऐसा जो दो पल उसके साथ बैठ जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.